उसको हम कितना अपने शॉप के अंदर या गोडाउन के अंदर हम लोग रखते हैं ताकि वो सेल करने के लिए हम टाइम टू टाइम निकालते रहे तो वो कितना लेवल होना चाहिए उसका स्टॉक का कि हमें हर वक्त इतना अवेलेबल रखना चाहिए अपने पास तो जैसे मिनिमम लेवल है मैक्सिमम लेवल है या बैलेंस्ड में उसको रखना चाहिए तो ये होता है स्टॉक लेवल इन स्टोरेज स्टोर करके रखना तो इसके जो स्टॉक लेवल एंड स्टोरेज के जो वीडियोस हैं जो नोट हैं वो हम पहले कर चुके हैं तो आज हम करेंगे इसके एमसीक्यू सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एमसीक्यू नंबर वन लेजर इज डैश मतलब जो स्टॉक लेजर है स्टॉक लेजर क्या होता है जिसके अंदर हम पूरा स्टॉक का रिकॉर्ड रखते हैं कि कितना स्टॉक आया और कितना स्टॉक चला गया उस बुक को हम बोलते हैं स्टॉक लेजर ये बुक जो है आपकी ऑनलाइन भी हो सकती है ऑफलाइन भी हो सकती है और स्टॉक लेजर इज डैश ए ट्रैक द अमाउंट ऑफ स्टोक मतलब स्टोक लेजर का जो प्रयोग है वो uh, स्टोक को ट्रैक करने के लिए किया जाता है अब इनमें से कोई भी नहीं तो स्टॉक लेजर का अभी मैंने आपको मीनिंग बताया है तो आपको थोड़ा सा गैस लग गया होगा कि इसका जो राइट right आंसर है वो क्या होना चाहिए सो so, इसका जो आंसर है वो है Used to track the amount of stroke, कि हमारे पास कितना बचा है, कितना बिक गया है इसको ट्रैक करने के लिए ही स्टोक लेजर बनाया जाता है नेक्स्ट हम करेंगे एमसी क्यू नंबर टू बिन कार्ड इज ए डॉक्यूमेंट बिन कार्ड एक डॉक्यूमेंट होता है बिन कार्ड जैसे मैंने ये परफॉर्मा बना रखा है तो ये एक की शीट की, शीट होती है जैसे एक शीट होती है ना उस शीट के ऊपर ऐसे ब्लॉक्स बने होते हैं छोटे छोटे खाने बने होते हैं उसमें आप डेट लिख सकते हो जैसे आज जैसे फर्स्ट जैन सेकेंड जैन थ्री जैन मंथ या डे भी लिख सकते हो मंडे ट्यूसडे वेनजडे या मंथ भी लिख सकते हो इसमें फिर एंट्री होती है एंट्री कैसे होती है कि जैसे कितना प्रोडक्ट जो है वेयर हाउस से निकल गया है उसे बोलते हैं विन कार्ड तो बिन कार्ड का जो यूज है वो क्या होता है बिन कार्ड यूज इन वेयर हाउस वेयर हाउस में यूज होता है यूज इन इन्वेंट्री इनवेंट्री इन्वेंट्री होता है स्टॉक ठीक है तो इन्वेंट्री में यूज होता है बोथ ए एंड बी दोनों में यूज होता है या नन ऑफ द अब किसी में भी यूज नहीं होता सो so, इसका जो राइट आंसर है वो है यूज इन वेयर हाउस तो बिन कार्ड नेचुरली जहां से प्रोडक्ट जाएगा आएगा उसकी एंट्री आपने करनी है तो प्रोडक्ट आपके कहां पे रखे हुए आपने गुड्स कहाँ रखी है में. तो बिन कार्ड का यूज कहां पे होगा वेयर हाउस पे होगा ठीक है नाउ लेट्स मिनिमम स्टॉक लेवल मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब होता है कम से कम कितना स्टॉक आपको रखना चाहिए मिनिमम समझ रहे हो ना जैसे देखो एक ये, ये मैंने पिक्चर से बनाया छोटा सा कि ये बिल्कुल मिनिमम लेवल है इससे कम गया तो बिल्कुल खाली हो जाएगा तो आपको अपनी शॉप को बिल्कुल खाली तो नहीं रखना है तो एक लेवल तो ऐसा होना चाहिए ना कि बस इससे इससे नीचे मुझे नहीं आना और ज्यादा स्टॉक को खाली नहीं करना जब यहाँ तक पहुंचेगा तो मैं और सामान लेकर और प्रोडक्ट लेकर आऊंगा दैट इज मिनिमम लेवल तो मिनिमम स्टॉक लेवल का क्या अर्थ है क्वांटिटी नॉट नेसेसरी मतलब क्वांटिटी नहीं चाहिए अब इसके बाद क्वांटिटी मस्ट बी मेंटेन इन हैंड ऑल टाइम्स इतनी क्वांटिटी तो आपको हर वक्त रखनी ही है अपने हाथ में मतलब अपने स्टोर में क्वांटिटी एट सर्टेन लेवल एक निश्चित लेवल है यहाँ पे या नन ऑफ द अब या इनमें से कोई भी नहीं तो इसका जो राइट right आंसर है वो है क्वांटिटी मस्ट बी मेंटेन्ड इन हैंड ऑल टाइम्स मतलब जो मिनिमम स्टॉक लेवल है उसका ये अर्थ है कि इतना स्टॉक तो आपके पास हर वक्त होना ही चाहिए जैसे देखो एक कपड़े वाला है जो कपड़े सेल कर, ड्रेसेस सेल करता है तो कम से कम उसने अपना एक माइंड सेट किया हुआ कि कम से कम सौ ड्रेसेस तो मेरे पास हर वक्त होनी चाहिए सो से कम जैसे मान लो नब्बे आई तो फिर से वो दस और मंगा लेगा फिर से हो गई मिनिमम स्टॉक लेवल इतना तो उसको रखना ही है ठीक है डेंजर लेवल डेंजर लेवल जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये डेंजर लेवल है डेंजर लेवल कैसा होता है कि बस इसके आगे जाना ही नहीं है तो डेंजर लेवल कैसा हुआ एक्यूरेट लेवल बिल्कुल ठीक रिप्लेनिश मतलब फिर से और स्टॉक भरना है बिलो स्टॉक लेवल मतलब जितना स्टॉक लेवल होना चाहिए उससे भी नीचे है या नन ऑफ द अबोव या इनमें से कोई भी नहीं तो इसका जो आंसर है वो है एक्यूरेट लेवल अरे डेंजर लेवल तो एक्यूरेट लेवल नहीं हो सकता ये आंसर जो है इसका हमसे गलत हो गया है इसको आप लिखेंगे बिलो स्टॉक लेवल ये जो इसका एमसी क्यू का आंसर है ना एमसी क्यू नंबर इसका ऑप्शन नंबर थ्री है जो बिलो लेवल ये होना चाहिए इसका आंसर ये ये जो एक्यूरेट लेवल है ये गलत है ठीक है तो जो इसका राइट right आंसर होगा वो होगा ये जो पिंक हाईलाइट किया हुआ है ना मैंने बिलो स्टोक लेवल मतलब स्टॉक लेवल जितना होना चाहिए ना उससे भी नीचे जा चुके हैं आपका बिल्कुल तो डेंजर जोन पे आप पहुंच गए हो एमसीक्यू नंबर फाइव स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट्स वर्क इज टू मतलब जो जो को को कर कर रहा है न, जो स्टोर में काम कर रहा है उसका काम क्या है है? है ना में काम काम उसका क्या हर वक्त वो करेगा पर तो नहीं आ गया नो नीड टू ऑब्जर्व वो कुछ भी ऑब्जर्व नहीं करेगा ऑब्जर्व वन इन ईयर एक बार ऑब्जर्व करेगा साल में yeah, none of the above या नन ऑफ दबोव या इनमें से कुछ भी नहीं मतलब उसका कुछ काम ही नहीं है ये वाला तो इसका जो राइट right आंसर है वो है कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व द स्टॉक लेवल यस स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट जो है एस ओ ए काम है वो ये है कि वो हर वक्त स्टॉक को चेक करेगा कि रिटेल स्टोर में कितना स्टॉक अवेलेबल है कितना मंगवाने की जरूरत है एमसीक्यू नंबर सिक्स स्टॉक मींस स्टॉक का क्या अर्थ है मेकिंग प्रोडक्ट्स एंड स्टोर इनटू वेयर हाउस मतलब वेयर हाउस में प्रोडक्ट को बनाना एनी सर्विस कोई सेवाएं देना मेक प्रोडक्ट प्रोवाइड सर्विस राइट आंसर है वो मैंने आपको नहीं बताया ये आपको खुद से सोचना है और फिर कमेंट में लिखना है ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग भी कुछ पढ़ रहे हो ध्यान से मेरी वीडियोज को सुन रहे हो या समझने की कोशिश करो तो आप इसका सर्च करो स्टॉक का क्या अर्थ है आप चाहो तो स्टॉक क्या होता है ये वाली मेरी वीडियो देख सकते हो ठीक है मैंने आपको इतना हिंट दे दिया अब इसका आंसर आप सभी को कमेंट में लिखना है एमसीक्यू नंबर सेवन द पर्पज ऑफ डॉक्यूमेंट हैंडलिंग इज मतलब जो डॉक्यूमेंट हैंडल करते हैं डॉक्यूमेंट बना के रखते हैं हम लोग हर चीज का डॉक्यूमेंटिंग डॉक्यूमेंटेशन करना कि हर चीज को लिखना कि क्या सामान आया क्या गया कहाँ खर्च हुआ ये इसका हमारा पर्पज क्या है उद्देश्य क्या है नंबर ए, टू सेव टाइम टाइम बचाने के लिए सेफ्टी ऑफ गुड्स गुड्स की सेफ्टी के लिए प्रिवेंट कंडीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वर्सनिंग, वस्तुओं को वेयर हाउस में खराब होने से बचाने के लिए मैचिंग विद रिक्वायर्ड मतलब जितना चाहिए उतना है कि नहीं है मतलब चेक करते रहना तो इसका राइट right आंसर इसका मैंने दिया है आपको राइट right आंसर तो इसका जो राइट right आंसर है वो है मैचिंग विद रिक्वायर्ड अगर आप अपनी हर एक चीज का रिकॉर्ड लिखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितना सामान आया था कितना खर्च हो गया है और अभी और कितना मंगवाने की जरूरत है MCQ number no. eight. नंबर which डॉक्यूमेंट required आर रिक्वायर्ड इन are गुड्स आर मतलब जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए receiving गुड्स के वक्त मतलब जब आपने कुछ सामान मंगाया अपने स्टोर में तो आपको जो documents चाहिए वो क्या है डिलीवरी रिपोर्ट है बिल है टैक्स बिल है या याबो या ये all A, B and C है। तो क्या होना चाहिए होना चाहिए चाहिए आपके हिसाब से? इसका आंसर क्यों? क्योंकि जब हम सामान मंगाएंगे, हमको एक रिपोर्ट भी चाहिए कि कौन कौन सा सामान आ रहा है बिल भी चाहिए उसका कि कितना प्राइस का आ रहा है टैक्स बिल भी चाहिए उसके ऊपर जो भी टैक्स लगा होगा ट्रांसपोर्ट का या जीएसटी जो भी टैक्स लगा होगा वो भी हमें पता होना चाहिए ताकि हम उसको कॉस्ट निकाल सके और फिर उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करें और फिर आगे उसको सेल कर सके एमसीक्यू नंबर नाइन द मेन एडवांटेज ऑफ इफेक्टिव गुड्स मूविंग अगर आप अपनी गुड्स को अच्छे से मूव करते हो मतलब अपने स्टोर में एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जा रहे हो और बहुत अच्छे से लेकर जा रहे हो रस्ते में कोई टूट फूट नहीं हो रही है प्रॉपर जैसे जो सामान है उसी के अकॉर्डिंग ही आपने वो इक्विपमेंट लिए हैं तो क्या होगा क्या होगा Let's see, क्या होगा ए बेटर कंट्रोल ऑफ गुड्स जो आपका फ्लो ऑफ गुड्स है वस्तु के जो जाना जाना, है, मतलब एक जगह जगह से दूसरी जाना, वो अच्छा हो जाएगा। Unimproved working conditions, working condition में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगी या याचीव इंक्रीज स्टोरेज रिक्वायरमेंट या जो आपके स्टोर की जो रिक्वायरमेंट है कि हाँ आप इतना सामान स्टोर करके रख सकते हो आप वो अचीव कर लोगे या ओल ए बी एंड सी सो इसका जो आंसर है वो है बेटर कंट्रोल ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स अगर आपने वस्तुओं को सही तरीके से एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हो तो जो आपका फ्लो ऑफ गुड्स है वो सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टेन मैनुअल मूविंग टास्क इंक्लूड्स मतलब जो अगर हम अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं मैन्युअली मैनुअली मींस हाथ से या ट्रोली से लेकर मतलब कोई हम इलेक्ट्रॉनिक यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या क्या होता है उसमें शामिल टेकिंग कार्टन ओन एंड ऑफ पैलेट्स मतलब कार्टन जो होते हैं जिसमें सामान होता है उसको ऑन एंड ऑफ पैलेट से करना मूविंग मोबाइल रैक्स मोबाइल रैक्स होते हैं जो अपने आप इलेक्ट्रॉनिक चलते हैं वो चलाना मूविंग ट्रॉलीज एंड क्लीनिंग फ्लोर्स एंड शेल्फ इसमें ट्रॉली को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना या फ्लोर क्लीन करना या शेल्फ साफ करना या ऑल ए बी एंड सी या ये सब तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ए बी एंड सी तो मूविंग टास्क मतलब कोई भी आप जो मूव कर रहे हो मूविंग टास्क घूमने वाला तो उसमें हम सामान भी लेकर जाएंगे फ्लोर की भी क्लीनिंग होगी शेल्फ भी साफ हो शेल्फ के ऊपर सामान भी रखा जाएगा उसकी साफ सफाई भी होगी ये सब कुछ उसमें शामिल होगा एमसीक्यू नंबर 11 रिड्यूसिंग नंबर ऑफ टाइम्स द ऑब्जेक्ट इज हैंडल्ड इज नोन एज मतलब जब आप सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हो तो नंबर ऑफ टाइम्स द ऑब्जेक्ट इज हैंडल्ड मतलब कितनी बार वो एक बंदे से दूसरे बंदे के हाथ में जा रहा है ठीक है मतलब जैसे मान लो मुझे कुछ सामान Uh, हरियाणा से कन्याकुमारी तक भेजना है ठीक है अभी बीच में दस ट्रांसपोर्ट मैंने बदले तो क्या होगा एक बार उतारो सामान को फिर चढ़ाओ फिर उतारो फिर रखो फिर रखो फिर उतारो सामान के टूटने के चांसेस ज्यादा होंगे या कम होंगे पढ़ते हैं अभी अभी आप तब तक सोचो इसका जो ए है वो है चेंजिंग द साइज ऑफ पैकेजिंग साइज जो होता है पैकेजिंग का वो चेंज करना प्रोवाइडिंग सुटेबल इक्विपमेंट्स

एलिमिनेटिंग डबल हैंडलिंग बार मतलब जैसे मैंने बताया कि दस जगह या मान लो दो जगह चेंज करना होगा तो दैट इज डबल हैंडलिंग ऐसे करेंगे इसको एलिमिनेट करके प्रोवाइडिंग ए सेफ वर्क प्लेस ले आउट सेफ प्लेस वर्क वर्क प्लेस ले आउट को प्रोवाइड करके तो कैसे करेंगे आप रिड्यूस कैसे करेंगे उसको चेंजिंग द साइज ऑफ पैकेजिंग अगर आप साइज ऑफ पैकेजिंग को चेंज कर देते हो मान लो आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा था आपने उसके छोटे छोटे चार टुकड़े कर दिए ठीक है थीके? या चार थे आपने उसका एक कर दिया जहाँ चार लोग उठा रहे थे उसको एक एक ही उठा लेगा या अगर वो 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 बहुत ज्यादा हैवी सामान है है बंदा उठाएगा तो हो सकता वो गिर जाएगा आपने उसके चार छोटे छोटे टुकड़े कर दिए अब क्या है चार लोग आराम से उसको उठा रहे हैं ठीक है थीके? तो क्या होगा साइज ऑफ पैकेजिंग को अगर आप चेंज करते हो तो हैंडलिंग का जो टाइम है वो कम हो जाएगा <laughs> फ्लोर प्लेन फ्लोर प्लान इंडिकेट फ्लोर प्लान का मतलब होता है फर्श कैसा है आपका आपके रिटेल स्टोर के अंदर जो आपने फर्श का जो फर्श ये नहीं कि टाइलें कैसी है या कलर कैसा है नहीं मतलब जो आपने प्रोडक्ट को सजा सजा कर रखा है वो कैसे रखा है जैसे डायगनल रखे हैं रैक्स या सर्कुलर रैक रखे हैं या स्ट्रेट रखे हैं या एंगुलर रखे हैं तो कैसे आपने रैक्स को शेल्फ को अपने फ्लोर पर सजाया हुआ है उसे कहते हैं फ्लोर प्लान ठीक है तो फ्लोर प्लान क्या क्या शामिल होता है लोकेशन पॉइंट कहाँ पे है वो आपका रिटेल स्टोर या मर्केंडाइज एंड कस्टमर सर्विस लोकेशन या आपका प्रोडक्ट और कस्टमर सर्विस बताता है फ्लोर प्लान या प्लान ऑफ स्टोर या स्टोर का प्लान बताता है या नन ऑफ द अब या इसमें से कोई भी नहीं तो इसका जो आंसर है वो मर्केंडाइज और कस्टमर सर्विस बताता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है और आपकी सर्विसेज कैसी हैं। जैसे मान लो आपके यहाँ खाने पीने का सामान मिलता है लेकिन वो टेक अवे है ठीक है आप टेक अवे फैसिलिटी अगर आप दे रहे हो तो आप नेचुरली चेयर टेबल तो नहीं लगाओगे तो इससे क्या हुआ आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आपके फ्लोर का प्लान डिसाइड हुआ है MCQ number 13, करते हैं हम अब मतलब जो space allocate किया हुआ है आपने स्टोर के अंदर मतलब कितना जगह दी हुई है आपने कस्टमर को आने जाने के लिए तो वो किस बेस पर दी हुई है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेस पर या टाइप ऑफ मर्केंडाइज पर मतलब जो प्रोडक्ट है आपका उसके आधार पर या अवेलेबल पोर्शन या आपके पास जितना जगह है आप उतना ही दिया हुआ है आपने इनमें से कोई भी नहीं तो जो इसका राइट आंसर है वो है टाइप ऑफ मकेंडाइज मतलब जो आपके पास प्रोडक्ट है अवेलेबल जैसे कि फर्नीचर वाली शॉप है वहां पर फर्नीचर को नीचे फर्श पर ही रखा जाता है तो वहां पर जो है आने जाने का स्पेस थोड़ा सा कम रहेगा लेकिन अगर मान लो आपकी ड्रेसेस की शॉप है फिर तो आप रैक्स पर भी अपने प्रोडक्ट को रख सकते हो या रैक में जो हैंगिंग रैक आते हैं उसमें हैंग कर सकते हो तो आने जाने के लिए कस्टमर का उस हिसाब से आप स्पेस अलग बनाओगे तो मर्केंडाइज प्रोडक्ट के आधार पर ही स्पेस दिया जाता है एमसीक्यू नंबर फोर्टीन बैक रूम मीन्स बैक रूम क्या होता है ए रिसीविंग एरिया टू प्रोसेस मतलब जहाँ पर रिसीविंग एरिया मतलब राइट आंसर है वो है एन एरिया फॉर ट्रेनिंग मतलब जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है वर्कर्स की एम्प्लॉज की उसे बैक एरिया बोला जाता है या बैक रूम बोला जाता है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर जरूर लिखना कमेंट में ओके थैंक यू